कुशीनगर कसिया थाना क्षेत्र के नादे में रात के सोते समय रिहायशी झोपड़ियों में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से घर में रखा काफी सामान जलकर खाक हो गया। वहीं घर में मौजूद गाय भी बुरी तरह से झुलस गई। सुबह राजेश राजस्व कर्मी व पशुपालन विभाग के डॉक्टर ने गाय का इलाज किया तो राजस्व कर्मी ने जले हुए घर के सामानों का आकलन कर रिपोर्ट तैयार कर तहसील प्रशासन को सौंपने की बात कही। वहीं आग लगने से 3 झोपड़ियां जलकर खाक हो गई, 3.5 लाख के करीब हुए नुकसान को राजस्व कर्मी ने बताया है। कैसे लगी है क्या? जैसे चौगा बांधे थे सब बांध करके आग से जैसे पैर से मार दी, आग लग गया, बहुत क्षति हो गया है। सब पब्लिक मिल करके इसको बुझाए उझाए हैं, किसी तरह से आग कंट्रोल में की है। सूचना पे सोना और पुलिस दमकल आई थी, पुलिस भी आई थी, दमकल भी आया था। लगभग कितनी क्षति हुई है? अरे लगभग 3 लाख से ऊपर गया है सब। क्या नाम है? क्या कारणों से आप आए हैं, आकलन किए हैं, क्या लगा है आपको? लगभग 3.5 लाख रुपए पैसा वैसा लाए थे लोग, और कुछ लोग जेवर वेवर है ज्यादा रखे थे, लकड़ी उकड़ी है, अनाज पानी है, कपड़ा लगता है, सब जल गया है, कुछ बचा नहीं है। लगभग 3.5 लाख के लगभग नुकसान है इनको, जिसमें 3 लोगों का घर है आवासीय, एक जन का सामान जला। सूचना में किसी बाइक भी जला है? हाँ, बाइक जला है, एक बाइक जला है, नया बाइक जला है।